क्लास स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके एक्सपोनेंट एंड पावर और बेसिक जो भी फॉर्मूले थे हमने नोट कर लिए थे। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज है पैराग्राफ 1 पेज नंबर 184 और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इक्वल है एक्सरसाइज है आपके 12.1 और क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल है 3 की पावर -2 क्या है 3 की पावर -2। इसको पावर को अपन को पहले क्या करना नेगेटिव आ रही है तो इसको पहले फर्स्ट स्टेशन से इसको ऊपर पॉजिटिव बनाएंगे और कौन सा वो भी फॉर्मूला यूज ले रहे हैं या कौन सा रूल यूज ले रहे वो भी साथ में नोट करते हुए सॉल्व करेंगे। ओके तो क्या हो जाएगा इसका e की पावर -m इक्वल टू 1/e की पावर m। ओके और इसको a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -2। ओके तो अपन इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म के अंदर है तो 1/e की पावर m के फॉर्म में अंदर चेंज करेंगे तो 1/3 की पावर 2। ओके और इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1/3 की पावर 2 यानी 3 को कितने टाइम मल्टीपल 2 टाइम। ओके नेक्स्ट 1/3 और 3 3 9 नेक्स्ट आ जाएगा 1/9 और बी से फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है बी बी के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है सेकंड है फर्स्ट का बी सॉल्व करना इसको बी -4 की पावर -2। ओके -4 की पावर -2 इनको सॉल्व करना है। इसके अंदर आपके भी पावर नेगेटिव आए फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको पॉजिटिव बनाएंगे सॉल्व करना है। रूल वही यूज होगा e की पावर -m इक्वल टू 1/e की पावर m या e की वैल्यू -4 m की वैल्यू -10 m इक्वल टू 2 m की वैल्यू क्या है 2 माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा नेक्स्ट तो 1/e की वैल्यू -4 और पावर कितनी हो जाएगी पॉजिटिव। ओके फिर इनको सॉल्व करेंगे -4 × -4 माइनस और माइनस के हो जाएगी प्लस और 4 × 16 तो 1/16 इसका आंसर आएगा माइनस और डी से बी
सी के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है 1/2 की पावर -5, ओके 1/2 की पावर -5। इसके अंदर आपके रूल यूज हो जाएगा e/b की पावर -m, और इसको अपन ऐसे काउंट कर सकते b/e/m, ओके इस तरह से अपन नोट कर सकते हैं। ये रूल यूज होगा इसके अंदर, तो आप क्या करना पड़ेगा 2/1 की पावर 5 हो जाएगी, पावर कैसी हो जाएगी 1/2 है, इसका 2/1 कर दिया रूल से a/b से b/a/b का अपोजिट b/a, ओके। आप 2 को भी 5 टाइम नोट करना, 2 × 2 2 × 2 2 1 2 3 4, और ये आए मैं 1 × 1 1 1 4 5 टाइम, 2 को 5 टाइम मल्टीपल करेंगे कितना है 2 4 8 16 32, कितना आ जाएंगे 32/1/1, तो आंसर आ जाएगा आपके 32, नॉट जी में आंसर 32 सी। और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस
माइनस, तो ये 64 किसके आ जाए जानते हैं, माइनस 10 तो आ जाए। ओके नॉर्म लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ये कंप्लीट नॉर्म लीजिए। नेक्स्ट आपके बी, इसका बी सॉल्व करते हैं। बी के अंदर देखेगा आपको 1/2 की पावर 3 की पावर 2। ओके सॉल्व करना है हमको। इसके अंदर आपके रूल लग जाएगा ए अपॉन बी की पावर एम, तो आपके हो जाएगा ए की पावर भी एम और बी की पावर भी एम, दोनों पे डिफरेंट सेपरेट पावर यूज ले लेंगे। ओके तो करते हैं 1/2 और 2/2 2 और मल्टीपल 3। ओके तो कितना आ जाएगा, तो 1/1 और 2/2 कितने आ जाएगी, 1/2 तो 1 ही रहेगा और 2/2 कितने आ जाएगी 6। अब इसको सॉल्व करना है, 1/2 को कितना करें 6 टाइम और करना है मल्टीपल के अंदर 5 और ये 6। अब इजिकल टू 1, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, तो कितना आ जाएंगे 64, नॉट इज 1/64। सेकेंड का बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, सेपरेट पावर यूज ले लेते हैं, -3 की पावर 4
मल्टीपल 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 ओके नाउ करते हैं माइनस 3 को कितने टाइम मल्टीपल 4 टाइम माइनस 3 और माइनस 3 3 5 को 4 टाइम 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 ओके अपॉन के अंदर 3 का भी पावर 4 टाइम मल्टीपल आई इधर देखा आपकी ये माइनस कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम 1 2 3 4 एंड इवन नंबर क्या आते हैं तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी ओके तो ये सारे ये 3 से 3 कैंसिल ये सेकंड 3 थर्ड 3 और फोर्थ 3 सारे कैंसिल हो गए और इसका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस और माइनस 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 प्लस हो जाएगी तो आपकी वैल्यू कैसी हो जाएगी प्लस के अंदर और थ्री सारे टोटल कैंसिल हो गए तो आप इसको मल्टीपल करना है क्या लेफ्ट में 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 और मल्टीपल 5 5 बाय 25 25 को 5 से मल्टीपल करेंगे 125 125 को 5 से मल्टीपल करेंगे 625 तो आंसर आ जाएगा 625 नॉट कीजिए आंसर ओके आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं ठीक है आपका बी बी को सॉल्व करते हैं बी बी का अंदर नंबर दे लेकर आपको माइनस 3 पावर माइनस 7 डिवाइड 3 की पावर माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीपल 3 की पावर माइनस 5 ओके इसके अंदर आपके बेस 3 पावर के अंदर है और बेस इक्वल है क्या आ रहा है 3 ओके जो ये रूल यूज होंगे और रूल यूज लेंगे इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करते हैं 3 की पावर माइनस 7 अपॉन में मैं नोट कर सकते 3 की पावर माइनस 10 ओके फिर मल्टीपल 3 की पावर माइनस 5 नेक्स्ट 3 की पावर माइनस 7 और ये ऊपर जाएगी आपके लिए तो ये पॉजिटिव क्यों बेस कहता है इक्वल है तो पावर को m माइनस एस करेंगे m माइनस n यानी माइनस के 10 है m की वैल्यू मल्टीपल 3 की पावर माइनस 5 ओके तो कितना हो जाएगी 3 की पावर माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस का 10 मल्टीपल 3 की पावर माइनस 5 अब इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 7 माइनस के और प्लस के 10 प्लस प्लस जल्दी प्लस के 3 3 की पावर 3 और ब्रैकेट के नीचे आ गए मल्टीपल के अंदर ब्रैकेट के बाद 3 की पावर माइनस 5 अब यहाँ पे एक रूल लगेगा कौन सा रूल ए की पावर एम मल्टीपल ए की पावर एन का ओके 3 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 5 माइनस का ओके रूल यूज होगा यहाँ ए माइनस ई की पावर एम ई की पावर एन इक्वल टू ई की पावर एम प्लस एन 3 और पावर 3 और ये माइनस हो जाएंगे ओके अब क्या रहेगी लेफ्ट 3 की पावर माइनस 2 अब इसको अपॉन में से नोट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 2 कितना होते हैं 9 ओके 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आंसर कीजिए 1 अपॉन 9 कंप्लीट नोट कीजिए और फिर 3 नंबर का सेकंड का
कंप्लीट नोट करना और समझ समझ के करना ताकि समझ में आ जाए आपको। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। ओके।